हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग लेकर आ रही हूँ। जैसा कि आप लोग को पता होगा शायद कि अभी तक मैं अपना मैटरनिटी लीव कंप्लीट करने के बाद ड्यूटी ज्वाइन कर ली हूँ। जगदलपुर आना जाना चल रहा था मेरा इतने दिन से, दंतेवाड़ा से डेली मैं जगदलपुर अप डाउन कर रही थी बाई बस और जो भी हो रहा था। तो फाइनली मेरा कल ही ट्रांसफ़र लिस्ट आया है और मैं आई हूँ अब वापस अपना सामान वगैरह शिफ्ट करने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ मेरा कितना सारा सामान है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा जरूर। देखिए काफ़ी सारा सामान है और यहाँ पर बहुत बड़ा क्वार्टर हमें लॉज हुआ था, तो वो बहुत बड़ा रूम है और इतना सारे सामान, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो मैं और सुनीता एक्टिव मोड पे आ चुके हैं, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और मेरे पास 2 दिन टाइम है, तो 2 दिन तक मुझे पैकिंग करनी है। मेरी गाड़ी भी आ जाएगी कल सुबह, तो आज मेरे पास पूरा दिन है। तो अब सुनीता और मैं देख रहे हैं कैसे पैकिंग किया जाए, कैसे किया जाए। तो सुनीता और मैं मस्त इंजॉय करते करते पैकिंग कर रहे हैं। ये मेरी छोटी सी, मेरी प्यारी सी लाडो, मेरी जान, मेरी दुनिया, तो उसका सामान है, लाडो का सामान है। लाडो की तो प्यार प्यार फ्रॉक है, तो समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो मैं रखना पसंद कर रही हूँ। और अब बारी है बेडरूम की, तो बहुत सारा सामान रखा हुआ था, तो सोच रहा है कैसे रखा जाए। लाडो के छोटे छोटे टॉयज, लाडो के छोटे छोटे शूज, तो सब चीज़ पैकिंग स्टार्ट। अब बारी है बेडरूम की, तो हस्बैंड जो हमारा जो बेड है उसको अनइंस्टॉल करके पार्ट पार्ट को ठीक से रख दिए हैं, ताकि अभी जब नेक्स्ट रूम शिफ्ट हो तो प्रॉब्लम ना हो। और ये सारा पैकिंग हो चुका है, मैं इसको एक साइड रख दी हूँ ताकि गाड़ी में सामान डालने में इजी हो। और अब बारी है सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ की, तो ये मेरा प्यारा सा आंगन है, तो बहुत ही मैं इसमें अटैच हो गई हूँ। मैं यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ। ये छोटा सा आंगन मेरा इतना सुंदर सा, तो घर घर ही होता है, क्या बोलूँ मैं, मुझे बहुत ही याद आ रहा है यहाँ। तो ऑलमोस्ट पैकिंग होने के बाद बहुत हम थक गए हैं, शाम के 7 बज गए हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हिमानी, वो हमारे लिए मेरा जो मनपसंद वो है उड़द दाल के बड़े, तो वो और सील से पीसा हुआ चटनी लेकर आई है। उसे पता है कि मेरा तो नेक्स्ट डे सारा पैकिंग हो गया और हम सामान एक तरफ रख दिए हैं और मैं लेबर का वेट कर रही हूँ। अब नाश्ता बना रही थी कि लेबर भी आ गए हैं इस टाइम पे, तो उनको भी मैं ब्रेकफास्ट दे दी हूँ। अच्छा लगता है ऐसे, और 2 साल से उनको मैं जान रही हूँ, तो अच्छा लगता है उनको भी नाश्ते के टाइम पर दे दिया। और हमारा भी ब्रेकफास्ट हो चुका है और गाड़ी आ गई है। ये गाड़ी मैं बुक कराई थी ताकि सारे सामान अच्छे से आ जाए, क्योंकि हमारे पास स्कूटी भी है और बहुत सारे सामान हैं, तो सब अच्छे से प्रॉपर सेट हो जाए, तो मैंने ये वाला गाड़ी बुक कराया था। तो बहुत अच्छे से जो थे साथ में सब ने मिलकर बहुत अच्छे से सेट कर दिए सामान लेबर, और हम खुद ही हेल्प करने लगे थे ताकि जल्दी हो जाए और हम अच्छे से गाइड कर सकें। लेबर के भरोसे रहने से वो फिर कैसे भी रख देते हैं, तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ शिफ्टिंग के टाइम पे, मैं उनको थोड़ा बताती हूँ कि ऐसे रखे वैसे रखे। तो फाइनली हमारा सारा सामान हो रहा है धीरे धीरे शिफ्ट, पैकिंग हो गया था जल्दी, तो बहुत हो गया, ये पैकिंग हो गया पूरा ऑलमोस्ट। और गाड़ी ये जो पीपल का पेड़ उसके नीचे रखे हैं गाड़ी, तो बहुत थोड़ा सा वो गंदा हो जाता है। और जो हल्के सामान हैं तो उसको हम अपने गाड़ी में रख रहे हैं, थोड़े बहुत सामान अपने गाड़ी से लेके चले जाएंगे। तो पूरा हो रहा है, हो चुका है ऑलमोस्ट, और सब मिलकर किए तो जल्दी हो गया, प्रॉपर वे से हो गया और बहुत अच्छे से हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है पैकिंग को वो करना। और बहुत बेकार भी लग रहा है ऐसे, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ये मेरा मुश्किल टाइम है। मैं इतना सोची नहीं थी कि मुझे इतना फ़ील होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मेरे को। पूरा रूम खाली हो गया और हस्बैंड अभी कुछ दिन यहीं रहेंगे रिलीव होते तक, तो तब तक उनके लिए ऐसा हम थोड़ा सा सामान रख के जा रहे हैं। और मैं बता नहीं सकती मुझे कितना ज़्यादा बेकार लग रहा है, मतलब मैं 2 साल थी यहाँ पर, बहुत इमोशनली मैं अटैच हो गई। मैं मतलब बड़ों से सुनती थी कि घर से एक अलग ही प्यार हो जाता है, पर कभी सोची नहीं थी, पर मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। जब मैं छोड़ रही हूँ तो इतना तकलीफ़ हो रहा है। ये मेरा हॉल है, यहाँ पे मैं वर्कआउट करती थी, 2 घंटे यहाँ पे बिताती थी लाडो के साथ खेलना, तो बहुत ही बेकार लग रहा है, बता नहीं सकती मैं, बहुत मुश्किल है ये वाला टाइम करना, तो बहुत ही बेकार लग रहा है यहाँ पर रहना, साथ में पूरे 24 घंटे यहाँ बिता देना, रात के 2-2 बजे तक मूवी देखना, तो बहुत चीज़ याद आ रहा है, बहुत बहुत मिस करूँगी मैं दंतेवाड़ा को। तो पूरा पैक हो चुका है और ट्रक निकल चुकी है, तो हमें भी साथ साथ जाना होगा। देखिए मेरी प्यारे से कॉलोनी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे स्टाफ है यहाँ पे, बहुत मिस करूँगी मैं। हिमानी लव यू, मिस यू यार, और ओके सो इट्स टाइम टू से बाय, और बहुत मिस करूँगी मैं दंतेवाड़ा को। ओके गाइस, थैंक्स मेरी वीडियो को देखने के लिए, तो अब पार्ट 2 में मिलते हैं रायपुर रूम शिफ्टिंग के वीडियो में। बाय बाय।